जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, सुमित पीर भाई हमेशा हमें जो है वो टाइम देते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो हमारे सामने लेके आते हैं, हमारे दोस्तों के सामने लेके आते हैं। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सुमित भाई, ये बताइएगा कि जो भारत के नए आर्मी चीफ हैं, जनरल मनोज पांडे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या है जी कि जो चाइना है वो बॉर्डर इशू हल ही नहीं करना चाहता, वो बाउंड्री इशू को जिंदा रखना चाहता है। सो इट मींस कि जितनी भी बातें या जितने राउंड्स भी हुए हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी में, वो सारे नाकाम हो गए। एक बात। दूसरा, इसमें ये भी पता चलता है कि जो फौज है या इंडियन आर्मी है वो डेस्परेट है टू फॉर रिजोल्विंग द इशू, क्योंकि चाइनीज साइड से तो कोई बात आती नहीं है। जो जवाब सवाल भी आते हैं, जवाब भी आते हैं, पता भी जो चलता है वहां पे, तो आपको पता निजाम ही, खैर कम्युनिज्म है और वो निजाम ही और है, मीडिया कंट्रोल है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो जनरल मनोज पांडे की पहली, मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा जो ऑलमोस्ट उन्होंने दी है, और वो चाइना के ऊपर ही दी है और अपने बॉर्डर इशू पे दी है, इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाएगा कि चाइनीज बात नहीं मानते, सारा कुछ फेल हो गया, डेस्परेशन है, या के आप समझते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले जो स्टेटमेंट को है, हमें एक बड़े बिगर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मिलिट्री जनरल का स्टेटमेंट है, और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टेटमेंट देते हैं तो काफी चीजें दिखती है, काफी चीजें नहीं दिखती, काफी बताई जाती, काफी छुपाई जाती, काफी डिकोड करनी पड़ती है। अब जो चाइना के साथ बॉर्डर है, तो पहला इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ थ्रेट एज ऑन डेट, क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान का जिक्र जरूर आता। तो आप निश्चिंत होके बैठिए, ठंड पाइए, टेंशन न लें, ठीक है। अब रही बात जी चाइना की, चाइना के साथ जो बॉर्डर है एलएसी पे, वो 3488 किलोमीटर का है, 3500 किलोमीटर का, इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, राइट। अब यहाँ क्या है चीमा साहब, अगर आप चाइना की फितरत देखिए, चाइना की नौवियत देखिए, ये एक ऐसी वाहिद मुल्क है जिसकी बाउंड्री तो मिलती है 9 कंट्रियों के साथ, बहुत डिस्प्यूट है 20 कंट्रियों के साथ, जिसके साथ बाउंड्री मिलती भी नहीं उसके साथ भी डिस्प्यूट है। रशिया का वलेडी वोस्तोक पोर्ट कहते हैं, जो ऑल वेदर पोर्ट है, कहते ये भी मेरा है, मतलब बैटल ऑफ जिंगबो तो आपको पता ही होगा, इन्होंने रशियन सिपाही मारे थे। दुनिया में ऐसी कोई शायद ही कोई कंट्री जिसके साथ डिस्प्यूट नहीं है। अब मैंने सुना बहुत जल्दी इनका डिस्प्यूट सोमालिया, मोरक्को, मोरतानिया और चिली के साथ भी होगा। अब आप बोलोगे ज्योग्राफी तो इनकी मिलती नहीं। देखिए, जैसे खान साहब ने बोला था, जर्मनी और जापान का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उनके बॉर्डर मिलते हैं और वहां से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने उनकी बात, खान साहब की बात पकड़ ली, बोलते वैसे भाई जी कोई भी कहीं पे भी हो, हम गद्दी मरूम के सपने में आई थी तो ये जगह हमारी। पांडे जी का मानना है कि जो चाइना है, ये 3488 जो 3500 किलोमीटर करीब का बॉर्डर है, ये वो सेटल करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर चाइना बॉर्डर सेटल करता, जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी रही है। देखिए चीमा साहब, इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार, इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामियर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है, तिब्बत खा गया, मतलब खा ही जा रहा है, टेरिटरी खा ही जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। अब जो पीछे 4-5 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, उन पे जो बात हुई है उनको रिजोल्व किया गया। 3 रहते, डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और एक है शायद गोगरा, ये 3 पॉइंट्स है जहां पे अभी भी चीजें सेटल होनी, पैगोंगसो वगैरह ये सेटल हो गया था, बातचीत हम कर रहे हैं, हम उनसे डिप्लोमेटिकली, हम उससे मिलिट्रीली बात कर रहे हैं, बट अवर गन पोर्टर इज रेडी, उनसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी, उनसे ज्यादा हथियार हमारे हैं। भाई अगर अगर उनमें औकात होती, अगर उनमें हिम्मत होती तो हमला क्यों नहीं करते? वो जो जी जिनपिंग का वो जो 72 साल बुढ़ा जनरल जो बैठा रखा है वहां पे, जिसको अब मतलब पेंशन पे भेजना चाहिए, बहुत उम्र हो गई उसकी, लास्ट जंग उसने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी, आपको पता ही वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अब वो जो जनरल रखा है जो सेंटर कमांड का है, वो खास बंदा, उसको तो उसको छुट्टी उट्टी दे, देखिए बुढ़ापे में लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं रहती। अब आपको पता है गलवान के बाद एवरीथिंग चेंज, जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उनकी उनकी तैयारी नहीं है, वो बैठे हम भी बैठे, हमारे बंदे भी बैठे उनके बैठे बैठे, तो पांडे जी का कहना बिल्कुल सही है, भैया देखो ये बॉर्डर वॉर्डर सेटल करेंगे नहीं, बॉर्डर सेटल करेंगे तो लोग को जवाब दे देंगे, देखिए इनका इनकी पॉलिसी जमीन खाना, इनकी काम पॉलिसी कब्जा करना, दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया, भू भू को हिंदी में लैंड कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया तो चाइना है भाई, इतना सा फूल क्या जितना होगा, और आज भी 20 लोग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाकी वी आर रेडी, वी आर दिस, 4-5 पॉइंट्स पे थिंग्स हैव बीन रिजॉल्व टू बैक टू
फर्स्ट अप्रैल और 31 मार्च 2020 कुछ जगहों पे वो रेजोल्यूशन नहीं है। रेजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, हम तैयार है, वो तैयार है, उनसे ज्यादा फौज, उनसे ज्यादा आर्सेनल हमने डिप्लॉय कर रखा है। और अगर किसी की हिम्मत, औकात और हैसियत होती है लड़ाई करने की, जैसे हमने 1971 में किया, जो किया सबके सामने किया, सबको दिखाते हुए बताते हुए किया। अब मुझे बता चीमा साहब, ये वहां पे बैठ के पहाड़ पे तितर बटेर चूहे गिलहरी पका पका के खा रहे, देखो उनको रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको हमारे लोगों को तो रेशन की जरूरत पड़ती ना, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए, इनका क्या पकड़ा कटाकट किया बुना खा गए, देखिए इनको रेशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो इनकी ये पीएलए है जिसका एक कन्वेंशन, मतलब देखिए एक दुनिया में एक परसेप्शन बनाया पीएलए इज इनविंसिबल, बहुत बड़ी बाई दो बाई नंबर इंडियन आर्मी टुडे बिगर इन नंबर देन पीएलए एज इफ यू लुक एट अ मैन पावर, बट एक एक परसेप्शन बनाया हुआ है पीएलए इज इनविंसिबल, पीएलए को कोई हरा नहीं सकता, पीएलए को कोई रोक नहीं सकता, पीएलए चलेगी तो जमीन हिल जाएगी, पहाड़ काम जाएंगे। अब वो पीएलए 2 साल से वहां क्या कर रही है भाई? देखो आपको पॉस्चरिंग करनी चाहिए ना, आप सोचते कि जमीन खा जाएगी, जमीन खाने का आपको नसीब हुआ नहीं, अब बैठ के ठंड पा रहे हो तो बहन लो बैठ जाओ भाई ठंड पा लो। हमें तो 30 साल 40 साल हो गए सियाचिन में, हमें आपको भी काफी टाइम हो गया, तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो दिक्कत है नहीं, ये तो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा, वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है, अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी वायरस वायरस के चक्कर में। चीमा साहब दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, वी कैन डिफेंड अवर बॉर्डर्स, वी कैन फाइट अवर वॉर, पीस एंड डिप्लोमेसी, वी आर रेडी फॉर पीस एंड डिप्लोमेसी, तीनों ऑप्शन है, बाकी हमें डराएंगे धमकाएंगे वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्री को उनका चलता था, वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते, आजकल तो फिलीपींस भी उन्हें सुना देता, आजकल तो वियतनाम उन्हें सुना देता है। तो वो जमाने जो चाइना का एक ऑरा था, देखिए 2019 में के बिगनिंग में पीएलए का ऑरा था, चीमा साहब सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऑरा है आज, वो वक्त है आज, नहीं है, वो हमने करके दिखा दिया। तो अब पांडे साहब को पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, अब चीमा साहब उसमें से उसको अपने हरे चश्मे से देखेंगे, कोई बात नहीं, वो चीमा साहब का काम है, पर वो अपने जी तितर बटे चूहे गिलहरी जितने भी जानवर है, हाँ उन पहाड़ियों में एक दिक्कत जरूर आ गई चीमा साहब, देखिए बायोलॉजी में 2 टर्म्स होती है, फ्लोरा और फौना, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे तो वही है, ये जीव जंतु सारे खत्म हो गए जी, सारे निपट गए। सुमित भाई एक तो आपने बड़ी पहले ना मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा उस पर जरा बात करूं, आपने कहा जी वो पाकिस्तान से तो हमें खतरा है नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं अब जरा पाकिस्तानी होने के नाते एक कमेंट कर दूं मैं, अगर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं हो तो एस 400 क्यों लगा रहे हो हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर? चले कोई बात नहीं, सुने आगे आगे थोड़ी सी बात कर, देखिए वो सही है, वो सही है, आप जो मर्जी कहें, आपने एक आप चाइनीज थ्रेड को बड़ा लाइट ले रहे हो, ये 4-4 फुट के, ये देखो क्या है उधर से पकड़ के खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, ये क्या है वो क्या है फलां क्या है डमकान क्या है, मतलब इतना लाइट लिया कि मतलब जो सारे का सारा वेस्ट बैठ के इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो गया, आपने तो समझा ये तो बात ही कोई नहीं है ना, वो कोई मसला ही नहीं है, जो यूरोप अमेरिका ने अरबों डॉलर के डिफेंस बजट्स इंडो पैसिफिक में ले आए हैं कि चाइनीज बैकयार्ड में चाइना का एशिया पैसिफिक में इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो कम्युनिकेशन लेंस पे कब्जा ना कर ले, इंडिया क्वाड में जाके चाइना को मैनेज करने के लिए तैयार बैठा है, पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, आपने कहा यार ये क्या 4-4 फुट के 3-3 फुट के चमगादड़ खा गए ये खा गए। सुमित भाई क्या इंडिया वाकई चाइना को थ्रेट नहीं समझता इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, जिस तरह आपके पता चल रहा है जो पांडे साहब हैं वो तो कह रहे हैं भाई द थ्रेट इज लाइफ एंड दे डोंट वांट टू सॉल्व इट, जैसे हम कह रहे हैं इंडिया कश्मीर नहीं करना चाह रहा यार, वो बात ही देखिए क्वेश्चन है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे में क्लैरिटी है, इंडिया कश्मीर पे बात नहीं करना चाह रहा, आपका जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चीन हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, आप कह रहे हैं 4-4 फुट के हैं छोटे मोटे गिलहरियां खाते हैं कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया अरबों डॉलर का डिफेंस बजट ले आई है चीन का मुकाबला करने के लिए, पिछले 8 साल में सारी ममालिक में इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स व्हाइट पेपर पढ़े वो सारे चीन के ऊपर है, मतलब और आपको अपने आप को ही देख लें, $97 बिलियन की तो आपकी इम्पोर्ट है जिसके ऊपर सारी आपकी एक्सपोर्ट चल रही है, $125 की आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब बायलैटरल तालुकात इतने अच्छे हैं चीन के साथ, आप कह रहे हैं बात ही कोई नहीं है, तो ये आपको लगता नहीं है कि आप थ्रेट को डाउन प्ले कर रहे हैं,
या क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं, आपने 1962 में एक जंग उनसे लड़ी, गो के हार गए, नो प्रॉब्लम, जंगे जीतने हार जीत होती रहती है, सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाई डू यू डोंट प्लेइंग? देखिए चीमा सर, पहले बात तो मैं पाकिस्तान का, आपने बोला S-400 क्यों लगाएंगे, देखिए आपके यहाँ जो ये जो 40,000 लोग घूम रहे हैं ना, बहुत शरीफ शहरी, जिनको नियाजी साहब खुद बोल गए भाई 40,000 आतंकवादी हमारे यहाँ घूम रहे, दुनिया के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 में से 9 आपके यहाँ, और जो 50,000 लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ कब क्या चीज लग जाए, कौन सी चीज लग जाए आपसे, वो कौन सी चीज निकाल के इधर की तरफ फेंके, इसने S-400 वहां लगाया, बाकी निश्चिंत रहिए S-400 वहां भी लगेगा, हाँ लद्दाख में भी S-400 लगेगा, राफेल वफेल सारी डिप्लॉयड है। दूसरी बात ये और पाकिस्तान का मसला, अगर मैं कोई पॉइंट बोलूँ कोई 10-20 सवाल आपने एक साल डाल दे तो मुझे बोलूंगा फिर आ जाऊंगा उसमें, बोलना नहीं चाहूंगा, 10-20 आप डाल देना मेरे को याद रखना मुश्किल लगता है। अब ये S-400 की बात हो गई पहले, अब दूसरी बात है चीमा साहब, आपने बोला भाई ये जो है इंडो पैसिफिक बना, ये बना चीमा साहब, अगर हम में औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई, अगर तुम्हें एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है तो आके ले लो, छीन लो, हम थोड़ी कह रहे, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे कि तुम यहां मत आओ, हमने तो तुम्हारे वैंगी को भी बोल दिया बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल, वो तो आ रहा था कमर्शियल प्लेन में बैठा हुआ, हेलो 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 करता हुआ, की हाल है जी, थोड़ा की हाल है, हमने भेज दिया वापस, तो हमने तो अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है तो आके ले लें जमीन, हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं भाई, जमीन मत ले लो, आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है, हम हमें जवाब देना था, जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, ये बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री, वो चाइना को पता है, 1962 वाला भारत नहीं है चीमा साहब, वो परिस्थितियां बदल गई है, अगर 1962 वाला भारत होता तो ये आज आगे आगे होते, इन्होंने ये आगे बढ़ गए होते, बढ़ क्यों नहीं रहे आगे, एक बार बताइए, आप कहते हो जी 4 फुट वाली बात, अब मैं आपको बता दूं, गलवान में हमारे 20 भाई मरे, ठीक है, फोटो निकाली, सबको पता, नाम आपको भी पता होगा, नाम पता, सबको अवार्ड मिला, उनको जो वॉर मेमोरियल है उनको इज्जत मिली, उनके नाम का वहां मेमोरियल है, सब कुछ, हमारे एक पहली बात यहां देखिए, चाइना के कितने लोग मरे चीमा साहब, कोई कहता 4, कोई कहता 18, एक्स चाइनीज PLA के जनरल जो USA में सेटल्ड है और रशियन एक्सपोर्टर इसराइल कहते 135, ये जी जिनपिंग को पूछिए आप, आपकी तो खैर बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे, बोल भाई ये तो बता बरा कौन कौन की फोटो तो निकाल यार, ये मर्सनरी थे क्या, आतंकवादी थे क्या, जिन्हें बेनाम मौत मिल गई, अगर वो सिपाही थे तुम्हारे, जो सिपाही है, सिपाही को मरने के बाद उसकी फोटो तो लगाओगे, उसको इज्जत तो बख्शोगे, शहीद हुआ भाई अपने देश के लिए, बताओ ये मरे, आज तक उन्होंने नहीं बताया कितने मरे, उनकी उनके घर वालों को लाश तक नहीं दी, वैसे उनके वो जो राख का डब्बा सरदार जी थे, नाम उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे भाई का शहीद हुए वो गलवान में, और आपसे बेहतर कौन जानेगा उसको, उन्होंने 12-13 चीनी सीने था, गर्दन ऐसे हाथ से गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक के गिरा दिए, 12-13 चीनी, कोई हथियार नहीं था, हाथ से सरदार जी के नाम गुरमेल सिंह या कुछ नाम था उनका, हमारे भाई का मुझे ध्यान याद नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी फाइन द नेम रॉन्ग, 13 उनको अवार्ड मिला, उनको हमने इज्जत बख्शी, पूरे दुनिया को उनमें नाम किया, इसीलिए मैं कहता हूँ ये 4 फुटे चीनी। अब आपने दूसरा बोल रहा क्वाड में क्यों पैसा लग रहा, दुनिया क्वाड की बात क्यों कर रहा, देखिए चीमा साहब अगर हम चाइना को नहीं रोक पाते तो अमेरिका को क्या सपने आ रहे हैं, अमेरिका मेरा मामा लग रहा कि मुझे क्वाड में आके बिठा देता, जापान क्वाड क्यों बनाता हमारे साथ, श्रीलंका के साथ ना बनाता, बांग्लादेश के साथ ना बनाता, उसे पता कि क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इंडिया, और इंडिया के बिना क्वाड की परिकल्पना, इमेजिनेशन ऑफ क्वाड और यू नो डॉक्ट्रिन ऑफ क्वाड डजंट होल्ड ग्राउंड, हमने चाइना को रोका, जब हमने चाइना को रोक के दिखा तब क्वाड बना, पहले क्वाड नहीं बना, क्वाड बनने के बाद चाइना नहीं रुका, पहले हमने चाइना को रोका उसके बाद क्वाड बना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें चीमा साहब दूसरी, क्वाड का क्या है, फ्री ट्रेड रूल्स, ट्रेड चाइना जो कहता है चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना फ्री ट्रेड रूल्स से, हमने तो ये चाइना ने तो एक बार बोला था मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट नंबर पता नहीं 19-20 मेरा ये जो साउथ चाइना सी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको बोला भाई बात सुन, ये जो तेरे बंदरगाह ना उसके आगे 1 फुट भी तेरी जमीन नहीं है, तो वहां तो अब भी 5 बार अमेरिकन कैरियर है, वहां तो UK अपना कैरियर भेजने को तैयार है, अपना जर्मनी अपना कैरियर भेजने को तैयार है, जो उसके सी में अभी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिकन सबमरीन्स भी की जाहिर सी बात है, हमारा भी कुछ कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या क्या, ऐसे जैसे आदमी को थोड़ी पता होगा क्या क्या, पर कुछ कुछ होगा वहां पर, तो क्वाड की परिकल्पना करी थी कि उसका जो साउथ चाइना सी में उस तक वो सीमित रहे, उसमें भी वो कंट्रोल ना कर पाए, पैसिफिक तो आना दूर की बात है,
क्वाड वॉज डिजाइन दैट, पर क्वाड क्या है उसको लद्दाख में रोक रहा है, क्वाड क्या उसको एलएसी पे रोक रहा है, क्वाड के सिपाही क्या वहां खरदुमला में बैठे हैं, नहीं बैठे ना, जंस्कार में नहीं बैठे, वो तो हम बैठे, वो तो इंडियन आर्मी बैठी है ना। तो अगर किसी को चाइना ने, और गलवान में जितनी चीनी मरे वो तो हमने मारे साहब, उसके क्वाड गया जापान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कोई बंदा तो नहीं था ना उसमें। तो ये रही क्वाड की बात। अब देखिए, अगर वर्ल्ड में ट्रेड रूट्स को मतलब सेफ रखना है, ओपन रखना है, तो चाइना को बताना है तो अपने लैंड तक रहे, और जो एक्सेप्टेड मैरिटाइम पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन से वो चलेंगी। ये तेरी जमीन नहीं है, तो अपनी जमीन पे भाई जो मर्जी चला, तो अपनी जमीन पे जो मर्जी। दो तीन चीजें आपको फटाफट चाइना की बता देता हूँ। यू नो चीमा साहब, 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, एंड यू नो चीमा साहब, दे डोंट हैव अ चाइल्ड। यू नो व्हाई? बिकॉज इवन व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग, इट इज अनवायबल टू हैव अ चाइल्ड इन चाइना। 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग। आपको पता है उनकी एवरेज 48 ईयर्स हो गई है, आपको पता है उनकी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गई है, आपको पता है, आपको पता होगा 3 ट्रिलियन का क्रैकडाउन किया अपनी टेक पे, 150 बिलियनर्स हैं मिसिंग इन चाइना, कहां गए? आपको ये भी पता होगा जी सी चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। देखिए लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा ये दिखाने के लिए। बाकी चाइना की तरफ से अगर ऑन अ मिलिट्री बायलैटरल इश्यूज आर सॉल्वड वी आर ओके, ऑन अ वॉर गेम इट इज सॉल्वड वी आर ओके, बट इफ ऑन डिप्लोमेसी इट इज सॉर्टेड वी आर ओके, बट we are prepared for any eventuality to handle in whatever way or circumstance it comes. वो चाइना को भी पता, वो हमें भी पता है। मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ यार, फिर से चीमा साहब, यार अगर तुम्हें 2 साल से वहां तुम बैठे हो, तुम एग्रेशन वेग्रेशन की बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भैया वहां तो तीतर बटेर चीले कौवे भी खत्म हो गए, अब क्या कर रहे हो वहां पे? या तो घर को जाओ भाई, या तो अब घर को जाओ। तो ये फालतू का एग्रेशन दिखा के, देखिए ये शिंजू डॉक्ट्रिन तो चलेगा नहीं ना, यू कैन विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ बुलेट। शिंजू का जमाना निकल गया, वो डॉक्ट्रिन निकल गए, वो दौर निकल गए। चीमा सर, लेट मी टेल यू, अगर कोई ये सोचता है, अगर कोई ये सोचता है दुनिया में कि लाल किले पे उसका झंडा लहराएगा, सर वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड, ना वो दिन देखने के लिए वो रहेगा, ना हम रहेंगे। लाल किले पर झंडे लहराने की हसरत लेके ही जाओगे, जिसके दिमाग में भी है, जिसके जहन में भी है, वो जी जिनपिंग हो या पोंग पिंग हो या टिंग पोंग पिन हो, जो नाम पता हो जहां का भी, वो हसरत लेके ही जाएगा। इसके बारे में मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ। जी जी, थैंक यू सुमित भाई, आपने बड़े जो है ना, बड़े वो आज जरा आपने जरा जज्बाती अंदाज से बात कर रहे हैं, दिल से सारा फैक्चुअल। अगर जज्बाती या जिंगोइज्म वो होता है जब मैं शेरो शायरी या डायलॉग मारू बॉलीवुड के, मैं ये सारा आपको फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ, आप बताइए इसमें से कौन सा डाटा फैक्चुअली गलत है। अगर है, देन आई अपोलोजाइज। नहीं, मैं देखिए आपका जो भी पर्सपेक्टिव हो, कमेंट हो, मेरी सारा आंखों पे, मैं तो चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और एक पर्सपेक्टिव लेके आना चाहता हूँ, ताकि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एक लार्जर स्केल पे इंडिया क्या सोच रहा है। खैर, इससे मैं आगे जो है बजाय इसके कि मैं इसमें वो करूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं अमित भाई, ये जो क्वाड है इसके अंदर मिलिट्री विंग कोई नहीं है, सो ये आपको अकेले लड़ाई लड़नी पड़नी है। और मुझे पता है भारत है जितना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो ठीक है, वो चल पड़ा है। एक मैं कमेंट आपसे और लेना चाहता हूँ, सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जनरल पांडे की जो है वो स्टेटमेंट सही है। जनरल साहब ये कहते हैं कि होल ऑफ ए नेशन अप्रोच चाहिए टू डील विद इंडिया। So, वो जब ये बात करते हैं होल ऑफ ए नेशनल अप्रोच, इट मींस बियॉन्ड मिलिट्री, ठीक है, मतलब ये सिर्फ फौज के पास का काम नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, अगर आप सिर्फ अपनी इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस देखें, तो क्या वो उसकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मतलब हालात खराब होने के बावजूद बिजनेस नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये बड़ी वाइज मूव है, अगर मेरे से पूछे कोई बंदा कि इंडिया चाइना के हालात खराब हो, देखें जिन ममालिक के बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए, लोगों का आना जाना बंद नहीं होना चाहिए, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन कम नहीं होना चाहिए, कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। और हमसे बेहतर इस चीज को कौन जानता है, या हम पाकिस्तान इससे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? होल ऑफ ए नेशन अप्रोच क्या इंडिया के अंदर है? क्या इंडिया इस वक्त डिपेंडेंट तो नहीं है इस वक्त चाइना के ऊपर? आप वो अक्सर बताते हैं, वो जो आपने कोशिश की ताकि चाइना से गैर जरूरी इम्पोर्ट्स ना की जाए, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स वही की जाए। So, हमें जरा ये बताएं कि ये होल ऑफ ए नेशन अप्रोच में
नेशन वांट्स टू नो कि ये जो आप जो है वो पूरी नेशन तैयार है ये आपने मैंने नया नेशन वांट्स नो, चलिए लेट द नेशन नो। देखिए लेट द नेशन एंड नेशंस नो, आपका चैनल तो हर जगह जाता है, लेट द नेशन एंड नेशंस नो। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात है जो पांडे जी का कहना है, जनरल साहब का कहना है, होल नेशन अप्रोच इज कंबाइंड एफर्ट, आई एग्री टू दैट, बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरह की डिपेंडेंस। देखिए गलवान से पहले चाइना वॉज सीन एज अ नॉट एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ एनमी, एक एक मतलब ना वो कहते हैं ना वो 19-20 का आंकड़ा था, मतलब आई ट्रस्ट यू आई डोंट ट्रस्ट यू, लव हेट रिलेशनशिप थी, बट एक एडवर्सरी नहीं देखा जाता था। गलवान के बाद चाइना हैज बिकम एडवर्सरी, आई हैव नो काइंड ऑफ आई हैव नो रिमोर्स इन एक्सेप्टिंग दैट, दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू चीमा साहब ये है कि अगर आपको चाइना को जो हम काउंटर कर रहे हैं करना है, हमने काफी गैर जरूरी जो इम्पोर्ट से उनसे खत्म कर लिए, खिलौने आते थे, मैंने आपको बताया अगरबत्ती आती थी $110 मिलियन की, हमने उसमें काफी रोल यू नो वी आई प्लेड अ लॉट ऑफ रोल टू गेट दैट स्टॉक, चलिए मैं आई कंसीडर दैट एज अ फेदर इन माय कैप, ऐसे कई सारे चीजें हमने और भी करी है जो चाइना से रोक दी है। अब हम क्या करें व्हेन वी आर बिल्डिंग आवर इंडस्ट्री, सो रादर देन, देखिए चीमा साहब पहले ये कि मैं आपके यहाँ से पूरा एक सामान ले आता हूँ, ठीक है, उसको अपने डब्बे में डाल के भेज देता हूँ, ठीक है, एक तो तरीका ये है कि अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ शुरू कर ली, आपके यहाँ से मैं दो तीन चीजें मंगाता हूँ और बाकी उससे मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है पर इतना ज्यादा कम नहीं हुआ। वी आर, देखिए आगे चीमा साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट ट्रेड, हम ट्रेड के अगेंस्ट नहीं है किसी के साथ भी, बट ट्रेड शुड बी इधर बैलेंस और इट शुड बी फेवर्ड इन अवर साइज, अगर डेफिसिट भी हो 2-5% को। चाइना के साथ हमारा डेफिसिट काफी है, करीब $50-60 बिलियन के आसपास है, विच इज अ बिग नंबर एंड विच इज अ कंसर्न, वी हैव टू गेट इट। अब आपने पीछे देखो, हमने चाइनीज सिटीजन के जो वीजा थे, मतलब जो यहाँ पे थे टूरिस्ट वीजा पे, हमने सारे कैंसिल कर लिए, उन्होंने जो हमारे बच्चे थे उनका जो वो कोविड के में यहाँ भेज दिया, जो वहाँ मेडिसिन पढ़ने गए थे तो उन्होंने उनको फिर वीजा नहीं दिया। अब हमारी मिनिस्ट्री ने अपने पीछे देखा होगा, एक कम्युनिके भी निकाला था, भाई आप देखिए आपको किस कंट्री में जाना है, किस कंट्री में नहीं जाना है, यू हैव टू टेक दिस कॉल वाइसली। यूजीसी के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके सबको समझाया था, तो क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाते हैं इस पे। अब दुनिया भर की कंट्रियों ने हमारे बच्चों को वीजा दिया, चाइना ने दिया, कोई बात नहीं, हमने भी उनके सिटीजन को बोला भाई यहाँ वो आपका आपका टूरिस्ट वीजा खत्म। पीछे हमने Xiaomi पे क्रैकडाउन किया $800 बिलियन का, आपको पता ही, आप हमने डिस्कस भी किया था, ऐसे 40 चाइनीज या फर्जी कंपनी में डायरेक्टर थे, चाइनीज लोन एप्स थी, और एक चीनी तो चीमा साहब बांग्लादेश में, बांग्लादेश से बंगाल कूद के आ रहा था, पकड़ा क्या करने आ रहा है, कह रहा मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ, कह रहा बॉर्डर कूद के दीवार कूद के आएगा बिजनेस करने, कह रहा नहीं नहीं मैं बिजनेस करने आया था, क्या बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं। तो हमने उनसे नहीं ले रहे, अगर किसी ने चाइना के खिलाफ प्रेजेंट दिखाई वो हमने दिखाई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिखाई, PCAOB एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप जिसने हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज कंपनीज को डिलिस्ट किया यूएस स्टॉक एक्सचेंज से, मैंने आपको तब भी बोला था चीमा साहब लास्ट करीब 12 महीने पहले की बात है, मैं कहा इसका इंपैक्ट विल बी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन चाइनीज इकोनॉमी एंड देयर कैश फ्लो विल ब्रेक। आज जो आप हालत देख रहे हैं कैश फ्लो चाइना का टूट रहा है और दिक्कत हो रही है वो उसी के कारण, नहीं तो अमेरिका से वो पैसा निकाल रहे थे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों से। बाकी अगर ट्रेड होता है इट शुड बी ए बैलेंस्ड ट्रेड, वी शुड नॉट हैव डिपेंडेंस ऑन देम, और ट्रेड आइडियली शुड बी इन फेवर ऑफ इंडिया, और एक लिमिटेड ट्रेड हो $10-30 बिलियन को, इससे ज्यादा हमारा ट्रेड ना हो। आई एग्री ट्रेड होना चाहिए बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। देखिए हमारी आज भी चाइना के लोगों से दुश्मनी नहीं है, प्रॉब्लम है CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका कल को कोई और लीडर आ जाए, कल को कुछ वहां राजनीतिक चीजें बदल जाए एंड थिंग्स माइट चेंज अगेन, वी डोंट नो, बट जो करंट है अगर आप जी जिनपिंग को इसके प्रेडिसर से कंपेयर करें, दे वर नॉट सो एंबिशियस, दे वर नॉट सो प्रॉब्लमेटिक, दिस मैन पर्सनली इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब क्या करें, ठीक है जो है जब तक ये है तब तक ऐसे ही चलेगा, आने वाले टाइम में चीजें बदलेंगी तब सोचेंगे, बट इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया किया था, इसे हमने स्टार्टअप्स पे बात की चीमा साहब, तब हमारे जो स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन है भी $333 बिलियन है, $333 बिलियन विच इज मोर देन द GDP ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ओनली द वेल्थ क्रिएटेड बाय स्टार्टअप्स, तो वी आर डूइंग व्हाट वी हैव टू डू। आज भी पांडे जी ने ये भी कहा था मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे हम काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंडिजिनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द डिफेंस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बट देखिए रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स एंड यू नो मेकिंग अ न्यू इकोसिस्टम टेक्स टाइम, बट इट इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी एज अ कंट्री have a fair resolve to get it settled
एट इंटर इंटरेस्ट ऑफ अस, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं चीमा साहब, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे 1.5 करोड़ लोगों के लिए अच्छा क्या है, हमारी डेवलपमेंट के लिए अच्छा क्या है। पहले अगर ये चाइना के ऐसे एम्बिशंस नहीं होते तो आज दुनिया भर में 100 कंट्रियों के रिलेशन चाइना से खराब नहीं होते, अगर ये स्थिति नहीं होती तो 50 कंट्रियां चाइना के डेट ट्रैप में नहीं होती। और बाय द वे जो पीछे एक्सीडेंट हुआ आपके यहाँ, वो जो कार बॉम्बिंग हुई, दो वी डोंट सपोर्ट एनी वायलेंस, वी कंडम इट, वायलेंस कहीं नहीं होनी चाहिए थे, तब से मैं पढ़ रहा था चाइनीज कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान है शेकन। तो ये भी चीजें आ रही है चाइना, रिपरकशंस कहीं ना कहीं चाइना में आ रही है। आपका इंटेंशन अगर ठीक हो तो दुनिया आपके साथ ठीक है, ठीक नहीं है तो यू सी प्रॉब्लम्स एवरीवेयर एंड एवरीवेयर। आप भी कितने लोगों को कंट्रोल कर लोगे भाई, आप भी कितने लोग दुनिया में, कौन किसको कंट्रोल करे चीमा साहब, कल को ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगे दुनिया में, ऐसे मतलब व्हाट यू कॉल रेबल्स और टेररिस्ट जो भी आप इनको कहना चाहे, हर जगह है, कोई भी ग्रुप कुछ कर सकता है भाई। अगर आप उनकी जमीन पे आके उनकी जमीन पे कब्जा करने के इरादे से आए हो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, दिखाते हो डॉलर और पीछे डैगर, सामने डॉलर पीछे डैगर, ये नहीं चलेगा ना, या तो डॉलर करो या तो डैगर करो, दोनों में से एक चूज करो, डॉलर और डैगर नहीं चलेगा, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। और चाइना को इसका रिपरकशन हो रहा है चीमा साहब, इकोनॉमी में हो रहा है। और लास्ट बात चीज बोलूंगा आपको चीमा साहब, ये हमारे दर्शकों का जानना जरूरी है, कोरोना वायरस COVID-19 चाइनीज वायरस जो आप कहो, मतलब चाइनीज कहते हैं, इसका साइकिल 14 दिन होता है, ठीक है जी, मतलब मेडिकली साइकिल इज 14 डेज, ठीक है साहब, 2 साइकिल 28 दिन। ये जो महीनों से लोगों को लॉकडाउन में रखा है कोविड का बहाना लेके, कोट अनकोट, कौन सा वायरस है चीमा साहब जिसकी लाइक जिसका साइकिल 90 दिन, 96 दिन, 76 दिन, कौन सा है? ऐसे तो कोविड पूरे फैमिली में वायरस ही नहीं है साहब, वायरस की कहानी 17 दिन की है, शुरू से एंड 14 डेज, यू टेक 2 साइकिल्स 28 डेज। कहीं भी दुनिया में 14 या 28 दिन से ज्यादा लॉकडाउन हुआ ही नहीं, बिकॉज साइंटिफिकली दैट इज नॉट फिजिबल, प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। सवाल ये है आज जाते हुए, हमारा सवाल ये है भाई, ये कौन सा वायरस आ गया जिसमें हमने लाखों लोगों को महीनों से बंद कर रखा और पीपी सूट में पीएलए को डिप्लॉय कर रखा बंदूक लेके? कहानी यहाँ है चीमा साहब, कहानी में ट्विस्ट यहाँ है, फिर यहाँ से शुरू। चल चले देखते हैं आप क्या जो कह रहे हैं उसमें। चाइनीज जो हैं वो तो अपना जिस तरह आपने एक अपना सेटअप रखा हुआ है, या नरेंद्र मोदी साहब की बीजेपी की एक सोच है इंडिया को आगे लेके जाने की, इस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग भी उसी तरह सोच रहे हैं, उनका अपना एक सोच है। जी जी, आगे बढ़ना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है, हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मैं आई एम विद दैट, पाकिस्तान और चाइना हर एक को आने बढ़े, पर चीमा साहब आपकी कोट उतार के मैं पहन के निकल लूं ये तो ठीक नहीं है ना, दिक्कत हुआ है। नहीं वो आपको कोट देते भी हैं, मतलब 97 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, अब बाकी तो कारोबार आपने खुद करना है ना, आपने तो बल्कि शाओमी के $750 मिलियन रख लिए, आपने तो बताया आप एक मजबूत रियासत हैं। एनी हो, आपकी जमीन करके मैं अपना घर बनाऊं ये ठीक नहीं है ना, आप अपनी जगह मैं बिल्डिंग बनाऊं, आपकी जमीन पे कब्जा ना करूं। देखिए एक सिंपल सी बात है, जो ताकतवर होता है वो एक्ट करता है और जो कमजोर होता है वो कंप्लेन करता है, तो मुझे तो आपके एटीट्यूड में अभी तक कंप्लेन ही नजर आ रही है, वो बोल नहीं रहे, आप लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज है। कभी इंडियन चाइनीज आर्मी चीफ, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, गो के बारे डेमोक्रेसी है, आपके आर्मी चीफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन ये मैं इसको भी एक एंगल से देखता हूँ, जिस तरह देखिए मैं अपने आप को कर लिया था ना, मैं आपकी बात नहीं करता, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर पे और इंडिया पे बहुत बोलता रहता है, इंडिया नहीं बोलता, सीधी सी बात है, इस तरह इंडिया चाइना पे बहुत बोलता रहता है, चाइना बोलते नहीं, वो जवाब ही नहीं देते, वो बोलते ही नहीं है, जो मर्जी करते हैं वो बोलते ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं स्टोरी है क्या, और वो प्रोवाइड नहीं करते कि स्टोरी क्या है, वो उनको मसले ही कोई नहीं है, मतलब ये मतलब इसकी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन या कोई ना कोई ट्रांसलेशन तो है ना इसके समय पर। जी टीमा साहब एक ही ट्रांसलेशन है, उन्हें LAC पे हमारा मैन मशीनरी आर्सेनल और वर्चर्स वो दिख रहा है, इसीलिए वो तितर बतेरों में बिजी है। मैं तो कह रहा हूँ आके ले लो, मैं तो आज भी तुम्हारी औकात है तो आके ले लो, हाथ जोड़ के थोड़ी रोका तुम्हें, बंदूक दिखा के रोका है ना, औकात है तो ले लो, किसने रोका? गुड गुड गुड, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सो मच पीर भाई फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल कमेंट्स।